राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिन 1984 यानी 1984 में दुनिया में वन ऑफ द वर्स्ट ऐसी भोपाल गैस दुर्घटना हुई। उसके बाद हर 2 और 3 दिसंबर को यह दिन मनाया जाता है। उस दुर्घटना में 2 और 3 दिसंबर को इतने सारे लोगों की इसलिए मौत हुई कि इंडस्ट्रियल पोल्यूशन इतना ज्यादा बढ़ चुका था और उन्होंने कोई भी नियमों का पालन नहीं किया था, इसलिए कितने सारे लोग, गांव वाले बच्चे उसमें मर गए। और तब से लेके इस प्रदूषण में हम लोग आगे कुछ काम करें, हम अवेयरनेस बढ़ाएं और इसको कम करें, इसीलिए हर साल 2 दिसंबर को नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल दिन ये बनाया जाता है। इस साल की जो थीम है वो थीम है रेजिंग अवेयरनेस अबाउट पोल्यूशन, अबाउट दिस प्रदूषण। दोस्तों पिछले 20 साल से एमसीएल एक्चुअली यही काम कर रहा है। एक्चुअली एमसीएल न जाने कितने सारे सेमिनार राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय गांव हर जगह हम लोग ले रहे हैं, इसीलिए लोगों को यही लोगों को बताने के लिए कि हम लोग कितने बड़े संकट की ओर जा रहे हैं और आज वो संकट कितना बढ़ चुका है ये तो हम सभी लोग देख रहे हैं। ये प्रोजेक्ट तैयार करना, बिजनेस प्रोडक्ट तैयार करना और उसको बेचना, ये तो ऐसा समझे कि हमारे विजन और मिशन के लिए जरूरी है, लेकिन हम कभी भी इस प्रोडक्ट का मार्केटिंग नहीं करेंगे। हम हमेशा लोगों को बताएंगे कि सही क्या है, गलत क्या है। हम कहते हैं कि बिजनेस यानी कोई भी समस्या है और उसको लेके अगर कोई सोल्यूशन आप लेके आते हैं तो आज की तारीख पे वो है बिजनेस, और वही हम लोग कर रहे हैं। और इस सोल्यूशन के बारे में हम लोगों को बाकी के लोग जैसे कहते हैं उसे मार्केटिंग नहीं करेंगे, लोगों को बताएंगे, अवेयर करेंगे, बताएंगे कि क्या सही है क्या गलत है। और एक बार उनको ये पता चल गया कि क्या सही है, फिर वो सही चीज सुने। और यही काम होगा हमारे आने वाले दिनों में हमारे सेमिनार्स का। और एग्जैक्टली देखो, पूरे साल में एक दिन आप अवेयर नहीं कर सकते, हर हफ्ते आपको लोगों को बताना पड़ेगा, हर हफ्ते लोगों को याद दिलाना पड़ेगा कि हमारा ये कर्तव्य है। जो भी अभी हमारी धरती में इतने संकट में है, प्रॉब्लम में है सभी लोग, तो उन्हें हर हफ्ते उनको वो एहसास दिलाना पड़ेगा, और उसी का नाम है सैटरडे सेशन। सैटरडे सेशन एग्जैक्टली यही काम कर रहा है। और दोस्तों आने वाले दिनों में अगर हमें पोल्यूशन को एक्चुअल में कंट्रोल करना है, उसको सस्टेनेबल लेवल पे लेके आना है, तो इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई टूल है तो वो है सैटरडे सेशन। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक से। हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी चीज होते हैं जिनके बारे में हमें उनका ज्यादा महत्व नहीं होता, क्योंकि वो आराम से उपलब्ध होती है। हम उनके बारे में ना कोई ज्यादा जानकारी लेते हैं, ना ये समझने की कोशिश करते कि वो इतना कैसे इंपॉर्टेंट है। वैसे ही एक चीज है, उसका नाम है पानी। दोस्तों शायद आपको पता नहीं होगा, लेकिन पूरे ब्रह्मांड में ये पृथ्वी एकमेव ऐसा ग्रह है कि जिसके ऊपर पानी है। पृथ्वी एकमेव ऐसा ग्रह है जिसके ऊपर जीव है, सजीव है। पानी को जीवन कहा जाता है, और ये टेक्निकली, साइंटिफिकली हर चीज से ये बराबर है, क्योंकि पानी ही जीवन है। मंगल में अभी इतने यान छोड़े गए तो वो ये सिद्ध देखने की कोशिश कर रहे कि क्या वहां पानी है, क्योंकि अगर पानी है तो वहां जीव है, अगर पानी है तो वहां सजीव है। दोस्तों पानी ये हर सजीव, जो भी जीव रहता है उसके लिए एक्चुअली एब्सोल्युटली एसेंशियल है, हर चीज के लिए एसेंशियल है। अभी एक जीव, एक प्राणी मैंने आपको यहां दिखाया है, मनुष्य प्राणी जब ब्रीदिंग लेता है उससे लेके उसके सेल के लेवल के तक जो मैकेनिज्म होते हैं, जो काम होते हैं, जो एटीपी यूटिलाइजेशन होता है, हमारे हर चीज के लिए एंजाइम्स होते हैं, वो हर एंजाइम के काम के लिए भी पानी की जरूरत होती है। इसीलिए शायद पृथ्वी में अगर आप देखोगे तो पृथ्वी के ऊपर 71% पानी है, और हमारे भी बदन में 70% पानी है। क्या जरूरत है हमारे बदन में 70% पानी की? क्योंकि पानी एब्सोल्युटली नेसेसरी है हर चीज में। कोई भी सजीव, अगर आप कहीं भी कोई भी काम कर रहे हैं तो उसके लिए पानी जरूरी है। हमारी पृथ्वी भी अगर आप देखोगे तो उसके ऊपर 71% पानी,
हमें 70% पानी, जो रॉ मटेरियल हम लोग तैयार कर रहे हैं नेपियर ग्रास उसमें भी लगभग 70% पानी। तो ये कहीं ना कहीं एक प्रकृति का नियम है जिसके अनुसार ये प्रकृति चल रही है। दोस्तों हमारे इस पृथ्वी के ऊपर 70% पानी है और 29% सिर्फ जमीन है। ये पानी लगभग 97% जो ऊर्जा है जो ग्लोबल वार्मिंग की हम लोग बात कर रहे हैं उसको खींच लेता है और उसको कम करता है। सिर्फ 3% जो हीट है जो ऊर्जा है वो धरती के ऊपर जा रही है। और देखिए उस 3% से आज क्या हुआ है, आज इतनी भयानक स्थिति है यहाँ महाराष्ट्र में। अगर आप देखोगे तो यहाँ आंधी है, तूफान है, बारिश है, सब कुछ है। बंगाल का जो उपसागर है वह बहुत कम प्रेशर का, बहुत बड़ा, इतना बड़ा एरिया तैयार हुआ है कि उसकी वजह से पूरे भारत में आज की तारीख में ये तूफान छाया हुआ है। और इस तूफान की वजह से, इस बारिश की वजह से न जाने कितने हमारे किसानों की फसल भी आज खतरे में है। दोस्तों ये जो ग्लोबल वार्मिंग है इसको, ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए देखो पानी का कितना महत्व है। सोचिए अगर ये पानी कम होता तो क्या होता था। और ऐसे ही इस पानी का महत्व हमारे इस पर्यावरण के, जीव सृष्टि के हर चीज में है। कुछ भी लेंगे अगर आप, जो हम लोग यहाँ देख रहे हैं पर्यावरण के किसी भी जीव की बात करें, छोटे से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेके बड़े बड़े एनिमल्स तक अगर आप देखोगे तो हर चीज को पानी लगता है। और सिर्फ सिर्फ जानवर नहीं तो ये पूरे जो सजीव, जो हर वनस्पति को पानी लगता है। लेकिन अगर मैं बिजनेस की बात करूं तो सबसे ज्यादा पानी पूरी दुनिया में लगता है कृषि को, एग्रीकल्चर को। लगभग 70% पानी, फ्रेश वाटर जो इस्तेमाल होता है वो एग्रीकल्चर के लिए होता है। लेकिन यही नहीं, कोई भी इंडस्ट्री लीजिए, कोई भी इंडस्ट्री में पानी लगता ही है। ऐसी कोई भी इंडस्ट्री नहीं पूरी दुनिया में जहां पानी ही नहीं लगता। विदाउट पानी, पानी के बिना कोई भी इंडस्ट्री तैयार ही नहीं हो सकती। और लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे इस कुदरत ने, हमारी इस माँ ने हमारे इसका ख्याल रखा है कि हमें अगर ग्रो करना है, ये इतने सारे सजीव है आज की तारीख में पॉपुलेशन बढ़ रहा है, इन सब के लिए पर्याप्त पानी हमारे इस नेचर में, पर्यावरण में अवेलेबल है। यहां तक कि अगर हमें डेवलपमेंट करनी है, अगर हमें आगे जाना है, इंडस्ट्रीज लेके आनी है, तो भी उनके लिए, सबके लिए पर्याप्त पानी है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि ये जो पर्याप्त पानी कुदरत ने हमारे लिए रखा है उसको इस तरह से मिसमैनेज कर रहे हैं, इस तरह से खराब कर रहे हैं कि इतना सब होने के बाद भी आज परिस्थिति यह है कि हमारे पास 700 करोड़ लोग रहते हैं, तो 700 करोड़ में से 100 करोड़ लोगों को आज पीने का पानी उपलब्ध नहीं। 250 करोड़ लोग ऐसे हैं कि जिनके सैनिटेशन, जो टॉयलेट्स की जो चीज है वो आज उपलब्ध अवेलेबल नहीं है। और इसका प्रमुख कारण है वाटर पोल्यूशन। दोस्तों पोल्यूशन एक ऐसी चीज है, पोल्यूशन यानी प्रदूषण, यानी क्या मैं आपको बता दूं, प्रदूषण यानी किसी भी चीज को दूसरे चीज के साथ इस तरह से घुल मिलाना कि वो ओरिजिनल चीज है वो किसी काम की ना रहे। यानी अगर हम लोग काम पानी की बात कर रहे हैं तो पानी के साथ दूसरे चीज को आप इस तरह से उसको डाल दो, इस तरह से घोल मिल करो कि उस पानी ना पीने का रहे, ना किसी इंडस्ट्री के उपयोग का रहे, ना उसमें कोई बच्चे स्विमिंग कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। इस तरह का पानी को पूरी तरह से उसका काम उपयोग बंद कर देना वो है प्रदूषण। और इस प्रदूषण से क्या हो रहा है कि प्रदूषण से हम लोग ये जो पर्यावरण है, हमने देखा कि पर्यावरण सिर्फ हमारा एक जो मनुष्य प्राणी, अपने हम लोग जो है मनुष्य प्राणी, सिर्फ हमारे लिए नहीं है ना ये पर्यावरण, ये कितने सारे प्राणी, वनस्पति, जीव उनके लिए काम करता है। ये पर्यावरण जैसे हमारा ख्याल रखता है ना, ये पर्यावरण सबका ख्याल रखता है, सबके लिए उसने उसने प्रावधान किए हैं, सबके लिए सब कुछ चीजें। और पानी तो एकदम इसेंशियल है। तो दोस्तों जब भी हम लोग इस पानी को खराब करते हैं तो सिर्फ हम मनुष्य की हानि नहीं होती, इतने सारे लोगों की दुनिया हम लोग बर्बाद करते हैं। क्योंकि पानी घर है, पानी दुनिया है, कितने सारे जीव, पानी ऑक्सीजन है। देखो आप, हमारा जो मनुष्य प्राणी है उसको ऑक्सीजन लगता है, वैसे हर हर चीज को, हर प्राणी को, वनस्पति को ऑक्सीजन लगता है। अभी इस प्राणियों को, अभी हमें इधर हवा है कुदरत ने तैयार की हुई, उस हवा में 21% ऑक्सीजन है। और उस ऑक्सीजन से हम लोग जिंदा रह रहे हैं, हम लोग हमारी लाइफ आगे लेके जा रहे हैं। वैसे ही पानी में भी ऑक्सीजन होता है, पानी में भी घुला हुआ ऑक्सीजन होता है, जिसकी वजह से ये सरीसृप मछलियां, अंदर के जो कुछ जीव है उसके ऊपर जीते हैं।
और हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से इस पानी को बर्बाद कर रहे हैं कि